नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। 75 साल की उम्र, सुब्रत रॉय का निधन। सहारा श्री की मौत से निवेशकों को लगा तगड़ा झटका। निवेशकों को सताने लगा है पैसा डूबने का डर। निवेशकों का पैसा डूबेगा या होगा रिफंड? सहारा पोर्टल से पैसा मिलने की कितनी उम्मीद? तो आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, मैं हूं संजीव और बात कर रहे हैं सहारा श्री के यानी सुब्रत रॉय के निधन के बाद की परिस्थितियों के बारे में। तो सहारा श्री के नाम से दुनिया भर में मशहूर सुब्रत रॉय का 14 नवंबर की रात कार्डियक अरेस्ट के चलते 75 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक तरफ उनकी मौत से पूरे सहारा परिवार में शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मौत के बाद सहारा ग्रुप के निवेशकों को अपने पैसों की चिंता सताने लगी है। उनको डर है कि अब कंपनी में निवेश किए उनके पैसों का क्या होगा, पैसा वापस मिलेगा या डूब जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब सहारा के निवेशकों को चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब निवेशकों को जवाब देगा कौन, क्योंकि सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के रहते ही जब निवेशकों का पैसा वापस मिलना मुश्किल हो रहा था, आसार काफी कम नजर आ रहे थे, तो अब उनके जाने के बाद आखिर जवाबदेही किसकी होगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा, लेकिन क्या यह दावा वाकई सच है और क्या वाकई इस पोर्टल के जरिए निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा? तो गोरखपुर से शुरू हुआ सुब्रत रॉय का सफर लखनऊ होते हुए विदेशों तक पहुंचा। देश से लेकर विदेशों तक सहारा ग्रुप का कई हजार करोड़ का साम्राज्य फैला हुआ है। ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक ग्रुप के पास 9 करोड़ निवेशक और ग्राहक है। कंपनी की कुल संपत्ति 2,59,00,000 रुपए है। इसके अलावा कंपनी के पास 5,000 कैंपस और 30,970 एकड़ जमीन है। बताया जाता है कि सुब्रत रॉय ने अपने साथ उन लाखों गरीब और ग्रामीण भारतीयों को जोड़ा जिनके पास तब बैंकिंग की सुविधा नहीं थी, और इन्हीं के सहारे सहारा ग्रुप खड़ा किया गया था। लेकिन आज उन्हीं सब लोगों का करीब 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा दांव पर लगा हुआ है। साल 2014 में निवेशकों के इसी 24,000 करोड़ रुपए के मामले में जब कोर्ट का डंडा सुब्रत रॉय पर चला, तब से उनके साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। बाजार नियामक सेबी ने जब उनके खिलाफ कदम उठाए तो दशकों का बनाया हुआ साम्राज्य हिलने लगा। यह मामला सहारा ग्रुप की कंपनियों से जुड़ा था जिन्होंने रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए। एक समय ऐसा था जब सुब्रत रॉय के पास एक एयरलाइन, एक फॉर्मूला 1 टीम, एक आईपीएल क्रिकेट टीम, लंदन और न्यूयॉर्क में आलीशान होटल थे। उन्होंने अपनी एयरलाइन एयर सहारा जेट एयरवेज को बेच दी, जो बाद में खुद भी बंद हो गई। दावा किया जाता है कि एक समय पर सहारा ग्रुप में भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोग काम करते थे। इन लोगों की संख्या करीब 12,00,000 बताई जाती थी। फिल्मी सितारों से लेकर सभी राजनीतिक दलों में सुब्रत रॉय के दोस्त थे, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ज्यादा करीब माना जाता। दिसंबर 1993 में जब मुलायम सिंह दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो रॉय के साथ उनके रिश्ते और गहरे हो गए। वो मुलायम के करीबी अमर सिंह के भी गहरे दोस्त थे। तो सुब्रत रॉय को क्यों जाना पड़ा जेल? साल 2014 की बात है, सुब्रत रॉय को 10,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि न चुकाने पर जेल जाना पड़ा। सहारा श्री के पक्ष में खड़ी वकीलों की फौज लगातार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही थी, लेकिन कोर्ट के आगे सहारा ग्रुप की एक न चली। कोर्ट ने तब कहा था कि जब तक वो 5,000 करोड़ रुपए नकद और 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी नहीं देंगे, तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। साल 2013 में सहारा ग्रुप ने सेबी ऑफिस को 127 ट्रक भेजे थे, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा आवेदन फॉर्म और 2 करोड़ रिडेम्पशन वाउचर शामिल थे। जी हां, 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहना पड़ा और 2016 में पैरोल पर बाहर आए थे, लेकिन प्रॉपर्टी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर सुब्रत नवंबर 2020 में 62,600 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनकी पैरोल रद्द कर दी जाए। सहारा ग्रुप की लंबे समय से बाजार नियामक सेबी के खिलाफ लड़ाई चल रही। सेबी ने सहारा ग्रुप को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सेबी ने साल 2010 में सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों और सुब्रत रॉय पर जनता से पैसा जुटाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। तो सहारा पोर्टल से क्या मिलेगा पैसा? अब सबसे अहम सवाल पर वापस आते हैं कि क्या
जो जनता परेशान है अपने पैसे को लेकर, उसका क्या होगा? क्या सहारा पोर्टल से निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा? दरअसल सहारा श्री के लाखों निवेशकों को डर है कि सुब्रत रॉय की मौत के बाद अब उनके पैसों का क्या होगा, क्या सहारा में फंसा पैसा वापस मिल पाएगा या डूब जाएगा। तो सुनिए, निवेशकों के लिए यहां एक राहत भरी खबर यह है कि सुब्रत रॉय के निधन से रिफंड की प्रक्रिया बिल्कुल प्रभावित नहीं है। केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही सहारा के निवेशकों को उनका डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया था, जिसकी मदद से सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में ही सहारा निवेशकों को राहत देते हुए उनके पैसे ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का लाभ लगभग 3 करोड़ निवेशकों को मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in लॉन्च किया था, जिसकी मदद से सहारा के तमाम निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। तो अगर आपका पैसा भी सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसा है, तो हम आपको बता दें कि निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन करके अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। रिफंड के लिए निवेशकों को सिर्फ ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा, जरूरी कागजात और रसीद अपलोड करनी होगी। वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उनका रिफंड मिल रहा है। सरकार निवेशकों को किश्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वो टोल फ्री नंबर 1800-103-6891 या 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं। जनाब घबराइए नहीं, आज सुब्रत रॉय बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश में कानून और न्याय व्यवस्था अभी भी जिंदा है। तो अगर आपका भी पैसा सहारा ग्रुप में लगा है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए और अपना पैसा वापस पाने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाइए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।